आवश्यक चल रहे हैं अपने षट आवश्यक में संयम का अपने वर्णन किया था कल। संयम का क्या अर्थ है? संयमित होने का नाम है संयम। फल पदार्थों से संयमित होकर अपने निज स्वरूप में आना, उसका नाम है संयम। क्या संयम दो प्रकार के हैं? ये सब कल अपन ने चर्चा की थी, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम में विषयों की अभिलाषा का त्याग है, और प्राणी संयम में अयत्नाचार रूप परिणति का त्याग है। अयत्नाचार रूप परिणति माने प्रमाद पूर्वक ऐसी परिणति न हो जिससे कि किसी जीव की हिंसा हो। तो प्रमाद रूप परिणति का त्याग, और प्रमाद का त्याग होगा तो छह काय के जीवों की हिंसा का त्याग अपने आप होगा, क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मुख्य है। और इंद्रिय संयम में विषय की सेवन की अभिलाषा मूल है, तो इन दो का त्याग होना चाहिए, विषयों की अभिलाषा का और अयत्नाचार का, तो वो दो प्रकार के संयमों का पालन हो सकेगा। और यदि ये नहीं हुआ और हमने कहा कि भाई हम जीव की हिंसा, मर नहीं रहे जीव, तो मरने से संयम का, प्राणी संयम का संबंध नहीं है। वास्तव में प्राणी संयम का संबंध यत्नपूर्वक प्रवृत्ति से है। यत्नपूर्वक प्रवृत्ति कब होती है? जब क्रियाओं में अति आसक्ति का अभाव होता है। कोई भी क्रिया करने में यदि आसक्ति अधिक होती है तो उसमें हिंसा अहिंसा का विचार नहीं रखा जाता, और जब क्रिया में आसक्ति कम होती है तो फिर वो जीव हिंसा को टाल के वो क्रिया करता है। जीव हिंसा को करके अपनी क्रिया नहीं करना चाहता, जीव हिंसा को टाल के उन क्रियाओं में प्रवृत्त है, तो अपने आप स्वयं दया फल जाती है। जब क्रियाओं में अति आसक्ति होती है तो दया अपने आप फलती नहीं। जैसे खाने में अति आसक्ति है तो कितने ही कर लेगी, जीव हिंसा से नहीं बच सकता। और खाने में यदि अति आसक्ति का अभाव है तो ये जीव रक्षा को पाल सकता है, जीव हिंसा को टाल सकता है, क्योंकि फिर अब आसक्ति कम है तो देखेगा ना इसमें जीव हिंसा तो नहीं हो रही है। खाना तो है, इसलिए खाना है, लेकिन ये देख के खाएगा कि भाई इसमें जीव हिंसा ना हो। तो राग इतना घट गया है कि यदि हिंसा होगी तो छोड़ देगा, इतना राग घट चुका है। पहले तो राग इतना भी नहीं घटा था, हो रही हो तो हो, हमें तो खाने को चाहिए, और अब खाने को तो चाहिए, राग तो है थोड़ा, लेकिन इतना मंद हो गया है कि वो जीव हिंसा की शर्त पे नहीं खाना चाहता, अपनी शर्त पे खाए। इसको मैं कहता हूँ शर्त आपकी है कि शर्त आपकी इच्छाओं की है। यदि शर्त जो है हम अपनी शर्त पे अपना काम कर रहे हैं, अपनी शर्त पे मतलब हमारे नियम पालेंगे तो हम ये करेंगे, तो इसका मतलब राग मंद है। और हमारा नियम वियम कुछ नहीं, हमको तो काम करना है किसी भी शर्त पे, राग तीव्र। कोई भी काम होता है दुनिया में, अपने को माल बेचना है, मैं तो किसी भाव एक पैसे के मुनाफे पे बेच दो, दूसरा कहना मेरा इतना राग नहीं है, मतलब मैं इतना पागल नहीं हो गया हूँ काम करने के अंदर, यदि मेरे को इतना मुनाफा आएगा तो बेचेंगे, नहीं तो अपने घर आराम से बैठे, क्यों इतनी मेहनत करें, कुछ मिलना तो है नहीं, तो इतनी मेहनत के लिए, इतने से पैसे के लिए मैं बहुत मेहनत करने के लिए राजी। तो राग है उसका, लेकिन राग कम है। और दूसरे का राग तो ऐसा है कि वो तो सुबह 8 बजे खोल के बैठ जाए, जो आओ आओ, 6 बजे से ही दुकान चालू,
रात को 10 बजे तक दुकान में। ऐसे भी लोग हैं इतने यहाँ पे हिंदुस्तान में, ऐसे महापुरुष लोग, पर उससे कुछ होता जाता कुछ नहीं है। इसलिए रात तो है कमाने का, लेकिन अपने टाइम पे जाएंगे, अपनी शर्तों को मिलेगा तो, अपने मुनाफे को मिलेगा तो। ऐसा नहीं कि उन सब शर्तों को छोड़ के टाइम बे टाइम किसी भी टाइम जब ग्राहक आए तब तेरे लिए हाजिर, और जो मिले उसके लिए हाजिर, और सब खाना पीना सब छोड़ के भी हाजिर, धर्म पर्व हो तो भी हाजिर, किसी भी कीमत में मुझे तो धन चाहिए। पहले लोग धर्म पर्वों पे धन कमाने का त्याग कर देते थे, अब कोई नहीं करता। पहले 10 दिन सब दुकानें बंद रखते थे लोग, सब व्यापार धंधा बंद। हमने तो पिताजी को देखा, पिताजी ने मेरे बचपन से आज तक देखा, उन्होंने कभी भी 10 लक्षण के दिन में एक भी दिन कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, बैंक का बैंक की सर्विस थी। 50 साल से उन्होंने आज तक कभी 10 लक्षण के दिनों में कोई दिन वो जो है सर्विस करने नहीं गए, छुट्टी थी पक्की छुट्टी, गारंटी छुट्टी ले लेते थे, बल्कि इतनी सीमा मान लेते थे, इतने क्षेत्र में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो ऐसा है देख, तो सब कई लोगों को देखा मैंने, अब दुकानदार वाले लोग कम है इस चक्कर में, नौकरी वाले को अब वो क्या पता क्या करते हैं, उनकी तो अपन तरफ देखते ही नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बड़े बड़े काम भी कर लेते हैं। अपन तो अपनी ही बात करें तो अपन जो है अपने इसमें मतलब ये काम नहीं करना चाहिए सीधी सी बात, तो ये अपनी शर्त की बात है। राग कम होएगा तो अपने आप निभेगा, राग कम नहीं होएगा कुछ नहीं निभने वाला। सब चीज़ों में राग की मुख्यता है, देखो राग रागी बेरागी के विचार में बड़ो ही भेद है, वो है क्या, राग गए विषय भोग ऐसे लागे जैसे नाग काले हैं, पंचेंद्री के विषय भोग काले नाग के समान भागते हैं, रागी बिन रागी के यही बड़ो भेद, इसके इनके विचारों में बड़ा भेद है। क्यों, एक को वो सुहावने लगते हैं और एक को काले नाग लगते हैं। दोहा समय सा नाटक का याद है किसी को, उसकी दो पंक्ति ऐसी है, तो ये राग जाने के ऊपर है। भोजन सब चीजों में लगा लेना, मैंने इसके लिए हमेशा उदाहरण देता हूँ, जिनको खाने का राग तीव्र है उनके मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं, वो लाइन में लग के खाने को तैयार है। और जिनका राग मंद है उनको 10 मनुहार के बिना नहीं खाएंगे, क्योंकि जीव का राग इतना तीव्र है खाने का, सब आप कैसे भी करके खिला लो खाने को तैयार है। तो ये संयम के अंदर अपन ने बात की थी, अब देखो तप, तप में इसके आगे चीज है संयम और तप, ये दो प्रकार की चीजें हैं, तो ये गृहस्थ के भी और मुनिराज के भी होती है। मुनिराज के जो संयम है वो अनिवार्य है, और जो तप है वो वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। संयम अनिवार्य है, संयम के बिना मुनिपद नहीं रहेगा। दोनों प्रकार के संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, माने विषयों की अभिलाषा का त्याग और यत्नाचार रूप प्रवृत्ति, माने कोई भी क्रिया में आसक्ति नहीं होना, विषय भोग की अभिलाषा नहीं होना, तो संयम तो उनके लिए अनिवार्य है। संयम माने 5 इंद्रियों, जैसे स्पर्श इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का संयम क्या, रसना इंद्रिय का संयम क्या, विषय कि मीठा स्वाद नीरस भोजन करना, रसना इंद्री के दो काम है जैसे, रसना इंद्री का काम केवल खाना ही नहीं है, रसना इंद्री से बोलने का भी काम पड़ता है, तो बोलने में भी संयम ही हो, केवल खाने में संयम ही नहीं हो। हित मित और प्रिय वचन, हितकारी हो अल्प हो
और सुनने में इसे मधुर लगे जैसे कानों में अमृत डाला जाए। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत चंद्र। शेर जैसा हिंसक पशु भी आ जाए उनकी वाणी सबके शांत कर। 500 कुत्ते भेजे राजा शेरिंग ने यशोदा महाराज के ऊपर, 500 शिकारी कुत्ते, सब के सब जाके एकदम उनके चरणों में बैठे। तो राजा ने कहा कि ये कोई मायावी है, ये क्या, ये कोई तांत्रिक मांत्रिक है, इसने सबको वश में कर लिया। तो फिर उसने बाद में जो है सांप डाला, पहले सांप डालने के पहले उसने सब काम कर लिए थे, सीधे उनको मारने के लिए उसने 500 कुत्ते ही छोड़ दिए। तो कुत्ते जो है उनकी शांत मुद्रा को देख के कुत्ते शांत हो, 500 के 500। फिर बाद में उन्होंने जब करे क्या करे उनके ऊपर, कुछ ना कुछ तो करके जाए, तो सांप को मारा और उनके कले में डाल दिया। फिर बाद में बताया उसने, तो चेलना ने कहा उनसे कि ये आप गलत काम करके आए, तो क्या गलत काम करके आए, अब तक तो उठ के चला गया होगा, तो कहीं नहीं उठ के चले गए होंगे, वहीं बैठे होंगे। वो गए तो जाने के बाद में देखा तो वहीं बैठे हैं। फिर उनके गले से मरा सर फटाया, फिर उसके बाद में चीटियाँ वगैरह जो थी वो हटाई, शाम सब काम किया उन्होंने। और फिर उसके बाद में जब वो दोनों शांति से बैठ गए तो उन्होंने दोनों को एक सा आशीर्वाद दिया, उसके प्रति राग द्वेष नहीं किया, चेलना से राग नहीं किया और श्रेणी से द्वेष नहीं किया, किसने कुत्ते छोड़े सब मालूम था सबके उनको, अवधि ज्ञानी थे वो निराज, क्या हमें मालूम ये आदमी ये काम करके गया है, 500 कुत्ते छोड़ के गया मेरे ऊपर, 3 दिन तक सांप डाले रखा, चीटियां ने लहू लुहान कर दिया, कुछ धर्म रख दियो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा उन्होंने कितना बड़ा गलत काम किया है। उसने अपने हाथ से तलवार लेके अपना गर्दन काटने की सोची, और जैसे ही अपने उसने हाथ तलवार के वहाँ पे डाला, ज्ञान के वहाँ पे जो तलवार जैसे ही वहाँ हाथ किया, ऐसे ही उन्होंने कहा कि राजन ये विचार अच्छा नहीं है, आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं है। एकदम चमक गया वो एकदम, उसने कहा इनको मेरे मन की बात कैसे पता। तो फिर वो उनके चरणों में जुट जाता, ये तो महावीतरागी है, परम वीतरागी मुनिराज, तो इनके प्रति मैंने जो अपराध किया है इसका तो कोई काम, इस ये अपराध का तो कभी निपटारा हो ही नहीं सकता, प्रायश्चित नहीं हो सकता। और कालांतर में जीव ऐसा बदला कि वो आगे चल के पहला तीर्थंकर हो जाए, इसलिए पापी के प्रति द्वेष भी किया था, किससे द्वेष किया था, पाप से। पापी आज का पापी कल बदल के धर्मात्मा हो सकता है, जब सातवें नरक जाने वाला जीव तीर्थंकर बन सकता है, कितना जैन दर्शन कितना उत्कृष्ट सोच वाला दर्शन है, किसी जीव के प्रति द्वेष बुद्धि रखने के लिए नहीं देता। सातवें नरक जैसा जाने का पाप किया उसने, और गया भी सही उसके कारण, लेकिन फिर भी उसने परिवर्तनता हो गया कि आगे चल के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणी जिनकी हम पूजा करते हैं, आगामी चौबीसी में उनकी मूर्तियां लग गई, मूर्तियां लग गई जहाँ त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं हैं, वहाँ पहले तीर्थंकर की प्रतिमा भी है, उनकी प्रतिमा है, उसको अर्घ भी चढ़ाते हैं, ढोक देते हैं, किसको ढोक दे रहे हो तुम, मतलब वही तो कह रहा हूँ, तो अभी अब किसको ढोक दे रहे हैं, जिसने सांप डाला उसके ऊपर, जिसने कुत्ते छोड़े उसके ऊपर। बौद्ध धर्म का पक्का भगत था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वो तो जैनियों से द्वेष था उसको, कट्टर जैन मतलब कट्टर बौद्ध था श्रेणी राजा, और वो उसका भी कारण था। एक्चुअल में क्या हुआ कि उसके पिता ने उसको भगाया था, वो भगाया नहीं था मतलब ऐसे नहीं कि कोई द्वेष के कारण से, पिताजी ने पूछा था एक किसी से कि भाई मेरे राज्य का राजा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि ये श्रेणी होगा, लेकिन ये जो दूसरे भाई है ये इसको जीने नहीं देंगे, तो उन्होंने उसको श्रेणी को पहले ही रवाना कर दिया कि यहाँ से चला जाए, नहीं उसकी पहले की सब कहानी है, खैर उसके पहले उन्होंने परीक्षा करी थी, सब करी थी, सब बातें,
परीक्षा करी थी राजा श्रेणी की, उन्होंने कहा कि सबको खाना खिलाओ और जो खाना खाते खाते क्या कुत्ते छोड़ देना कुत्ते, और फिर भी कुत्ते छोड़ने के बाद में भी जो अपना खाना नहीं छोड़े वो है वो राजकुमार जो है वो राज्य करने का अधिकारी होगा। तो सब राजकुमार खाना खाने बैठे तो कुत्ते छोड़ दिए, तो जैसे ही कुत्ते आए तो सब लोग भाग गए। इसने क्या किया, जो रोटी के टुकड़े थे एक एक लेके एक एक फेंकता रहा और खाता रहा, ये भागता नहीं। तो उन्होंने समझ लिया ये, फिर जब उसके प्रति द्वेष बुद्धि हुई, और वो क्या था कि वो उनकी शादी हुई थी जैसे भी उससे हुआ था वो राजा श्रेणी, तो वो इसलिए उन्होंने राजा श्रेणी को भेज दिया। तो राजा श्रेणी को जब भेज मतलब अपने नगर से जान करके निकाला ताकि ये जो है यहाँ नहीं रहे, इसके ऊपर तकलीफ आए, नगर के राजा ही बनेगा आगे। तो वो राजा श्रेणी जब निकला तो वो पहले गाँव में गया, जिस गाँव में गया तो उस गाँव में ब्राह्मण लोग रहते थे, तो उन ब्राह्मणों ने उसको अपने गाँव में रहने नहीं दिया। क्यों, जैसे ही उनको पता चला कि इसको नगर में राजा ने निकाला है तो उन्होंने उसको खाने तक को रोक दिया। और वो जब आगे गया दूसरे गांव में गया तो उस गांव के लोग जो थे वो वहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते थे, मठ वगैरह था उनका, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो उन्होंने उसको इतने प्रेम से रखा कि वो वहीं उसको जो है बड़ा आनंद मिला। तो वो आगे चल के उसका पूरा पक्का हितेशी बन गया, वो उसका कारण ये था और कुछ नहीं कारण था, वो सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुआ था, उसको आपातकाल में मदद मिली थी उनसे इसलिए वो उनका भक्त बना था, बाकी उसको कोई सिद्धांत से मतलब था ही नहीं। वो तो भाई वो ब्राह्मणों का तो कष्ट उसमें मतलब पक्का दुश्मन हो गया था एक, जैसे ही उसका हाथ में राज्य लगा सबसे पहले उनको उन्होंने वो आदेश दिया कि इनको सबको खत्म करो। तो खत्म करो तो उसके लिए फिर वो वहाँ उन्हीं का लड़का जो था राजा श्रेणी का अभय कुमार, वो वहाँ पहुँच गया था किस्मत से। तो वो सारे ऐसे आदेश देते कि ऐसा एक 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 बकरा भेजा, बोले इस बकरे का वजन नहीं होना चाहिए ज़्यादा, यदि बकरे का वजन ज़्यादा हुआ तो तुम सारे गांव वालों को मार डाला जाएगा, और तो कभी कम हुआ तो इतना दंड तुमसे वसूला जाएगा, ये राजा का बकरा है। अब क्या करें, तो फिर उस अभय कुमार ने सारी तरकीब अपनी एक शेर को मंगाया, तो वो शेर जैसे ही उसका वजन ज़्यादा होता तो उसको शेर के पास रख देते पिंजरे में, और जो वजन कम होता शेर से दूर ले जाते, ऐसे करके उसका इक्वलाइजर करके उसको जो आखिर भेज दिया। पूरी कहानी है। तो ये राजा श्रेणी की बात है, तो अपनी तो बात इतनी थी कि वो संयमी जो है सब तरह से होता है, वो संयम माने केवल इंद्रिय का ही नहीं होते, मतलब केवल रसना इंद्रिय भी, केवल खाने का ही संयम नहीं है, बल्कि खाना कितना बिगाड़ता है, कुछ खाना कितना बिगाड़ता है खाना मैं जैसे भक्ष खाने वाले का तो खाने में कितना कर जो है वही होगा, लेकिन खाने से ज़्यादा ये जीवन बहुत काम करती। द्रौपदी राजा रानी द्रौपदी थी ना, रानी द्रौपदी ने एक बात बोली थी जिसके कारण महाभारत हुआ, ऐसा अन्य मत वाले मानते हैं। हाँ एक बात बोली, अंधे के पुत्र इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया उस चक्कर। अपने घरों में भी अपने ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर जो झगड़े हैं वो सब बातों के हैं, क्योंकि अपने को बातों में संयम नहीं ले पाता, अपने अपने बोले बिना अपने को रहा नहीं जाता। जैसे अपन बोलते हैं फिर सामने से भी तोपे चलने चालू होती है, फिर तोपों के जवाब तोपों से गोलों से ऐसे कर करके अल्टीमेटली वो झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये रसना इंद्रिय में बोलने का संयम बहुत बड़ा संयम, उटपटांग नहीं बोलना, हितकारी बोलना, प्रिय वचन बोलना, अप्रिय नहीं बोलना, ये सब संयम में आता है रसना इंद्रिय, ज्ञान चक्षु कर्ण इंद्रिय इन सब का संयम। फिर संयम तो अनिवार्य अपने लिए भी यथा भूमिका होना चाहिए और मुनिराज के लिए अनिवार्य, और तप जो है वो तप दोनों के लिए ऑप्शनल है, तप हो तो बढ़िया है, जितना हो अपनी भूमिका प्रमाण उतना बढ़िया है, नहीं भी हो तो उससे उनका मुनिपद खंडित नहीं होता, शावक का शावक पद खंडित नहीं होता। तप का मतलब होता है इच्छाओं का विरोध, इच्छाओं के अभाव का नाम से तप, इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना इसको तप कहते हैं, इच्छाओं का दमन का नाम तप नहीं है, इच्छाओं के उत्पन्न नहीं होने का नाम तप है। इच्छाओं का दमन तो दुख रूप है, वो सदाचार है। इच्छाओं का दमन माने इच्छाएं हैं तो सही, सबकी इच्छाएं, लेकिन जबरदस्ती दबा रखी है उसे। क्यों दबा रखी है, क्या करो उन्हें तो पाप लगता है इससे क्या, तो वो दबाई है ना अपने अंतरंग में, तो रागादि भाव है उसके प्रति,
तो वो दमन है उसका, पुण्य भाव का, पुण्य बंध का कारण है वो, लेकिन वो तप नहीं कहलाएगा, क्योंकि तप निर्जरा का कारण है। तप ऐसी चीज है कि तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। तप को तो देवताओं के राजा इंद्र भी चाहते हैं, वे भी तरसते हैं, तो वो तप कैसा होगा जिसके लिए देवताओं के राजा इंद्र भी तरसते हो। यदि समझ लो कुछ दिन नहीं खाने का नाम तप है, जैसे 10 दिन भोजन नहीं करने का नाम तप है, तो नारकी 33 सागर तक कुछ नहीं खाते। देवतागण 33 सागर की आयु होती, 33,000 वर्ष तक उनका मुंह भी झूठा नहीं होता है। त्रियंच लोग अनेक बार भूखे रहते हैं, नहीं कुछ खाते, अनेक मनुष्यों को खाने को नहीं मिलता, तपस्वी कहलाते क्या? गांधी जी ने अनशन किए बहुत दिनों के, अन्ना हजारे ने बहुत सारे अनशन कर लिए, लेकिन वो सब तप की श्रेणी में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उन्होंने किसी इच्छा के लिए किया था, उन्होंने समस्त शुभाशुभ इच्छाओं के निरोध के लिए नहीं किया, वो कोई कर्म क्षय के लिए नहीं तपा उन्होंने, उन्होंने तो कोई लौकिक कामना के लिए तप तपा, अनशन किया तो लौकिक कामना के लिए। तो इसलिए भोजन नहीं करना, एकासन करना, ये सब व्यवहार तप है। देखो इसमें आप पढ़ो, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है, सब सब 6 प्रकार निकालो। देखो पेज नंबर 230 230 भी आएगा, 230 निकालो। देखो निकला अपन तो ये निर्जरा, तप जो है वो निर्जरा का कारण है। क्या कारण है? तप निर्जरा कारण। कहाँ लिखा है? तप सा निर्जरा च, कहाँ लिखा है? तत्वार्थ सूत्र में, कौन से अध्याय में? समवर्ण निर्जरा का वर्णन कहाँ है? तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में है। क्या 9वें अध्याय के अंदर है? 9वें अध्याय में कहा है कि निर्जरा का कारण कौन है? तप, तप निर्जरा कारण, और निर्जरा के बाद मोक्ष। तो तपस्या करने से निर्जरा होती है, ऐसा मानते भी, इतने उपास के तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी, ऐसा सामान्यतया माना जाता है। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, तथा वह अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है। तप के अंदर यदि नाम लो, मैं यदि पूछूं लोगों से कि तप कितने प्रकार के होते हैं, सब एक ही नाम बताएंगे, उपवास। जबकि तप कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार। 11 के नाम तो याद भी नहीं होंगे मेजॉरिटी लोग, मैं तो कहता हूँ 12 के ही नाम याद नहीं लोगों को, क्योंकि लोग उपवास को तप कहते हैं, उपवास तप का नाम ही नहीं है। तप का नाम तो क्या है? उपवास में नाम है, क्या नाम? उपवास की जगह नाम क्या है? अनशन। अनशन किसी को तो नहीं मालूम, अनशन कहो तो वो अन्ना हजारे वाला अनशन समझेगा, जबकि अनशन, अनशन का अर्थ क्या होता है? अशन, अशन किसे कहते हैं? अशन माने भोजन, अनशन भोजन का त्याग, उपवास भी कह सकते हैं, लेकिन नाम आया अनशन। तो हम तो एक ही तप मानते हैं अनशन, जबकि तप एक 12 क्या, और ये अनशन तो बहिरंग तप है, अंतरंग तप तो कोई और है। देखो यहाँ क्या लिखा है, इसमें अनशन आदि तप से निर्जरा करना निर्जरा मानता है, मानता है नहीं? अपन सभी मानते हैं कि अपन उपवास करेंगे, अनशन करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगी? अपनी निर्जरा हो जाएगी। परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं, अनशन उपवास, अनशन रस परित्याग आदि करने से तो निर्जरा होती नहीं। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं, काय के लिए करते हैं? शुद्धोपयोग। मुनिराज जो बाह्य तप करते हैं वो शुद्धोपयोग बढ़ाने के लिए करते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। असली निर्जरा कारण तो शुद्धोपयोग है, उपवास करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है इसलिए उपवास करते हैं, और इसलिए उपवास को भी निर्जरा का कारण कह दिया गया है। लेकिन निर्जरा का कारण असली उपवास नहीं है, उपवास करने पर जो शुद्धोपयोग की वृद्धि हुई है वो निर्जरा कारण है। इसलिए यदि बाह्य दुख सेना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंच आदि भी भूख त्रसादि सहते हैं। यदि भूख सहने का नाम निर्जरा है, प्यास सहने का नाम निर्जरा है, कष्ट सहने का नाम निर्जरा है, तो सबसे ज्यादा निर्जरा तो त्रियंचों को होनी चाहिए।
तो फिर ये क्या कहता है, देखो अभी इसके प्रश्न आएंगे सर, तब वो कहता है ये तो पराधीनता से सहते हैं, बेचारों को मिलता नहीं खाने पीने को, यहाँ तो हमको बहुत मिल रहा है, लोग खिलाने पिलाने को तैयार बैठे हैं, हम तो स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करते हैं, तो उससे तो निद्रा होती है, वो पराधीनता से सहते हैं बेचारे, हम तो स्वाधीनता से सह रहे हैं, हमारे घर में खाने की कोई कमी थोड़ी थी, हमने स्वाधीनता से और धर्म बुद्धि से काम किया है, तो निर्जरा होगी। उसका उत्तर, धर्म बुद्धि से भाई उपवास आदि तो किए, चलो धर्म बुद्धि से किए तुमने, उपवास किया, रस परित्याग किया, सब किया, और वहां उपयोग शुभ अशुभ शुद्रुप जैसा प्रणमित हो, वैसा प्रण, फिर उपयोग तो कैसे प्रण में, तो उपवास हो गया अपना, तो अब काय की चिंता, जो काम उपवास से निर्जरा होनी है तो उपवास कर लिया, तो उपयोग चाहे जा लगाओ, तो क्या करना उससे, बल्कि सबसे बढ़िया है कि जब भी बिजनेस का टाइम हो तब सबसे अच्छा रहता है उपवास करना, क्योंकि उस टाइम पे जो है अपने ध्यान नहीं इधर जाता, उधर उधर ध्यान नहीं जाता, तो जिसका भी सीजन का टाइम हो, जब भी जैसे भी दीपावली का टाइम है तो दीपावली के अंदर दुकान अच्छी चलती है, तो किराने की भी अच्छी चलती है बढ़िया, तो किराने वाले कहाँ गए आज दिख नहीं रहे, तो वो उपवास उस समय आराम से हो सकता है, क्यों, क्योंकि सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक दुकान चलती थी, खाना तो क्या कुछ भी याद ही नहीं आया, कपड़े वाले की भी अच्छी चलती है, सब के सारे धंधे अच्छे चलते हैं अपने देश में, तो वो सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से टाइम है, लेकिन चल सकता है क्या, उसको कहेंगे कि अपन कि अब तो उपवास तो ही आप चाहे जैसा उपयोग परिणमित हो तो उसको निर्जरा मानेंगे कि नहीं, इसका उपयोग तो धंधे में था, काय का उपवास, ऐसे कोई उपवास करके 4-4 मूवी देखे 3-3 घंटे की, चार अथवा तंबू ना खेल ले, किटी पार्टी कर ले, बहुत सारे काम है महिलाओं के लिए, तो वो कह रहे हैं उपयोग जहाँ उपयोग शुभ अशुभ शुद्रूप जैसा प्रणमित तो वैसा प्रणम हो, देखो क्या कहते हैं, यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़ी करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे तब तो उपवास आदि की मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं, परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है, तो प्रश्न किया उन्होंने अपने से, भले ही उपवास 10 भी किए हो लेकिन परिणाम में जो दुष्टता है तो निर्जरा कैसे होगी, और एक भी किया है लेकिन यदि परिणाम में उसके शुद्ध उपयोग बढ़ता है तो निर्जरा का कारण, मैंने उसकी क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि कितना किया है, क्वालिटी से मतलब है कि उसकी क्वालिटी किस जाती, वहाँ उपयोग से मतलब है, निर्जरा का संबंध तुम्हारी देह की क्रिया से नहीं है, निर्जरा का संबंध तुम्हारे उपयोग की विशुद्धि से है, क्योंकि निर्जरा आत्मा को होगी तो वह आत्मा के परिणामों से होगी, तो शरीर की क्रिया से नहीं होगी, उपवास करने नहीं करने से, उपवास नहीं भी हो किसी का, पर यदि शुद्ध उपयोग की बढ़वारी हो जाए तो मोक्ष हो सकता है उसका, मोक्ष की बात नहीं हो, निर्जरा हो सकती है, भरत चक्रवर्ती ने कितने उपवास किए, चलो भरत चक्रवर्ती क्या अभी आगे आएगा, 23 तीर्थंकरों ने 2 उपवास किए, सबसे बड़ा जो तप है वो है ध्यान, यदि ध्यान अंतर्मुहूर्त के लिए भी हो जाए तो मोक्ष से ज्ञान किसी, और उपवास 1 साल का भी हो तो गारंटी नहीं है, बाहुबली भगवान ने कितने उपवास किए थे, 1 साल उपवास था उनका, खड़े रहे थे, बेले चढ़ गई, वो कोई रंगनगर में आग भी नहीं गए थे, 1 साल तक उन्होंने उपवास किया, लेकिन वो जो शुक्ल ध्यान था उस पर नहीं चढ़े, वो श्रेणी नहीं बांधी, ध्यान नहीं हुआ शुक्ल ध्यान, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और वही केवल ज्ञान की प्राप्ति जिन्होंने शुक्ल ध्यान मान लिया तो अंतर्मुहूर्त में, तो मूल कारण क्या ठहरा, अपने को कारण तो समझना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं आगे सब कहेंगे, कोई कहेगा ऐसा है तो हम तो उपवास करना छोड़ देंगे, तो उसे कहेंगे कि ये उपवास छोड़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए बात समझा रहे हैं, और तेरे के लिए छोड़ दें, धर्म तो जितना होता भला, लेकिन उसको निर्जरा का कारण मान के संतुष्ट हो वो भला नहीं, क्योंकि फिर निर्जरा के फाइल क्लोज हो जाएगी, तो अपन यूं सोचो विचार करो, उपवास करने में परिणाम यदि अशुभ रूप होंगे
तो निर्जरा होगी क्या? चाहे जैसे परिणमित हो, चाहे जैसे परिणाम हो, उससे निर्जरा हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो निर्जरा का कारण कौन ठहरा? नियामक कारण परिणाम ही ठहरे ना। तो बहुत उपवास करने से बहुत निर्जरा होती है, कम करने से कम होती है, ये तो बात नहीं हुई ना। फिर आगे देखो, यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंद निर्जरा है, तो उपवास आदि मुख्य निर्जरा का कारण कैसे ठहरा? यदि परिणामों से निर्जरा हो रही है तो फिर उपवास को कारण कैसे बना सकते हैं? अशुभ शुभ परिणाम बंद के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। मतलब परिणाम हुआ निर्जरा कारण, वो देह की वो क्रिया निर्जरा का कारण कैसे होगी? प्रश्न, तत्व और सूत्र में तपसा निर्जरा च ऐसा कैसे कहा है, बताओ? आप ही ने तो हमको पढ़ाया तत्व और सूत्र में, तप से निर्जरा होती है। अब तप करने लग गए तो हमारी खींचने लग गए, इससे निर्जरा नहीं होती। तो भाई करे कि नहीं करे? तो कह रहे कि देखो उपयोग के निर्जरा है तो उपयोग से निर्जरा, तो ऐसा क्यों कहा कि तप से निर्जरा होती है? उपयोग से निर्जरा होती है कहना था, सीधे सीधे बोलते कि उपयोग से निर्जरा होती है शुद्ध उपयोग से, तप से निर्जरा होती है ऐसा कहा ही क्यों? ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसके लिए उत्तर है कि भैया इच्छा तप से निर्जरा होती है बात कही है, ये सत्य है, लेकिन तप की परिभाषा भी तो सुनो क्या है। शास्त्र में इच्छा निरोधस तप ऐसा कहा है, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो कौन कौन सी इच्छा है? सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहां निर्जरा है, इसलिए तप से निर्जरा कही है। इच्छा दोनों प्रकार की मिटनी चाहिए, अशुभ की इच्छा तो दूर रही, शुभ की भी इच्छा मिटेगी तब तप होगा। ठीक है, तो फिर काहे की इच्छा रही? शुद्ध उपयोग से रहे निर्जरा, मैंने अशुभ उपयोग की इच्छा नहीं है, अशुभ की इच्छा नहीं है, शुभ की भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्र का भाव, एक अपने निज स्वरूप में लीन रहने की परिणति है। निज स्वरूप में लीनता, अपने आत्मस्वरूप में मगनता, रुचि है उसमें, उसी में स्थिरता है। उस स्थिरता पूर्वक जो शुद्धोपयोग हुआ उससे निर्जरा, और जब आत्मस्वरूप में स्थिरता होती है तब न अशुभ करने की इच्छा होती है न शुभ करने की इच्छा। स्वभाव में रमने पर, स्वभाव का रस आने पर शुभ और अशुभ दोनों की इच्छा मिट जाती है। जब अपने निज स्वरूप में आ जाता है जी, तो उसको फिर पाप तो बहुत दूर की बात है, भगवान की पूजा भक्ति आदि को उसकी भी इच्छा मिट जाती है, क्योंकि जो उसका भगवान की पूजा भक्ति करके भी जो ध्येय था वो ध्येय की उसको प्राप्ति हो गई। भाई भगवान की पूजा भक्ति करके भी करना क्या था, उनके जैसा अपने स्वरूप को ध्याना था, वो ध्याय रहा है ना उस समय। हाँ, इसमें ऐसा लिखा है वो इच्छा को रोकना, वास्तव में इच्छाओं का अभाव होना था, वो आगे और खोलेंगे उसको। वहां यहाँ कहता है कि आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास और प्रायश्चित आदि शुभ कार्य उसकी इच्छा तो रहती है। क्या प्रश्न में समझ में आया कि आहार आदि की इच्छा तो मिटती है और तब तप होता है? तो खाने की इच्छा मिटने पर तप होता है, मैंने अशुभ इच्छा मिटने पर तप होता है, तो हमसे समझ में आ गई। लेकिन शुभ की तो इच्छा रहती है तप करने वाले, शुभ की भी इच्छा मिटती है तब तप होता है, ये बात जरा जस्ती नहीं बैठती नहीं दिमाग में। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित करने की और प्रायश्चित स्वाध्याय ध्यान इनकी इच्छा तो रहती है ना, उपवास करने की इच्छा तो रहती है। आहार की इच्छा छोड़ी है, आहार की जो इच्छा थी वो अशुभ इच्छा थी, तो अशुभ इच्छा का त्याग होने पर तप होता है तो माना, लेकिन उपवास की इच्छा भी मिट जाए और उसका नाम तप है, ये बात जमती नहीं। स्वाध्याय की इच्छा ही मिट जाए उसका नाम तप है। अरे भाई स्वाध्याय की इच्छा तो रहेगी ना, विषय भोग की इच्छा नहीं रहे, खाने की इच्छा नहीं रहे, मैंने सीधी सी बात है, अशुभ की इच्छाओं के त्याग को तप कहना चाहिए, शुभ की इच्छाओं के त्याग को तप नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शुभ की इच्छा तो तपस्वी के भी रहती है। समाधान, देखो सुनो, क्या वास्तव में ज्ञानियों को उपवास की इच्छा है?
यानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, आर की इच्छा तो है ही नहीं, उपवास की भी इच्छा नहीं, न आहार नहीं ले, आहार लेने की इच्छा है, न आहार नहीं लेने की इच्छा, न आहार लेने का विकल्प है, न आहार नहीं लेने का विकल्प है, विकल्प दोनों में, मेरे को उपवास करना है आज, मेरे को खाना नहीं लेना है, मेरे को खाना नहीं लेना है, ये विकल्प भी नहीं है, मेरे को आज खाना लेना है, ये विकल्प भी नहीं है, मेरे को बोलना है, ये विकल्प भी नहीं है, और मेरे को आज बोलना नहीं है, मेरा मौन है, ये विकल्प नहीं है, न मौन का विकल्प है, न बोलने का विकल्प, न खाने का विकल्प है, न उपवास का विकल्प। तो कह रहे ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, तो फिर इच्छा काय की है? एक शुद्धोपयोग की इच्छा है, और उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। क्यों करते हैं उपवास? क्योंकि उपवास करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास करते हैं। उपवास के लिए उपवास नहीं करते, काय के लिए करते हैं? शुद्धोपयोग के लिए करते हैं। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, तो वह आहार आदि ग्रहण करते हैं। मेन संभाल किसकी करना है? उनको परिणामों की, शुद्धोपयोग की। यदि शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने, और शुद्धोपयोग कहाँ से शिथिल हो रहा है? परिणामों की शिथिलता से, शरीर की शिथिलता से। यदि शरीर की शिथिलता और परिणामों की शिथिलता होने के कारण यदि शुद्धोपयोग शिथिल होता जानता है, तो फिर वो शरीर को शिथिल नहीं होने देते, और इसलिए वो फिर उपवास नहीं करते, आहार ग्रहण कर लेते। तो उनका आहार ग्रहण करना भी शुद्धोपयोग के लिए, और आहार नहीं लेना भी शुद्धोपयोग। जैसे बालक खाता भी पढ़ने के लिए, और नहीं भी खाता है वो भी पढ़ने के लिए। प्रवचन साल में कहा था, जस अणे सणमप्पा तंपि तवो तप परिच्छगा समणा अन्नम भिक्षण नेषण मदते समणा अनाहारा। मतलब जिनके लिए, उसमें ये है कि जिन मुनिराजों को सतत शुद्धोपयोग की इच्छा है, उनका आहार भी तप है, ये लिखा, उनका आहार लेना भी तप है, फिर आहार लेते हुए भी निराहारी है। और जिनको शुद्धोपयोग की इच्छा नहीं है, वो निराहारी होकर भी आहारी है। मैंने जिसको अनशन स्वभावी आत्मा की निरंतर भावना है, जस अणेशन मप्पा, मैंने अनशन स्वभावी आत्मा की, उसको निरंतर अनशन तप है। और जिसको अनशन स्वभावी आत्मा, मतलब मैं खाता ही नहीं हूँ, ऐसी जिसके अंतरंग में निज आत्मा की भावना ही नहीं है, कि मेरा आत्मा का स्वभाव तो खाने पीने का है ही नहीं, खाता है नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं, तो जिसको अनशन स्वभावी आत्मा का भान है, वो अनशन स्वभावी आत्मा के भान पूर्वक जो काम करता है, तो उसका आहार भी अनशन है, ये कहा है। तो ज्ञानी जनों का लक्ष्य क्या है? शुद्धोपयोग। यदि उपवास से शुद्धि हो, तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवासी क्यों धारण करते हैं? क्या तर्क दिया उन्होंने एकदम आगम से निकाल के, बताओ। यदि उपवास से मोक्ष होता तो 23 को मोक्ष होना ही नहीं चाहिए, बहुत कम किया उन्होंने। 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास के उदाहरण करते, यदि उपवास से कार्य सिद्धि होती तो, उनकी तो शक्ति भी बहुत थी, परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। जैसे जैसे साधन, मतलब साधन किसका किया उन्होंने, अभ्यास किसका किया? एक वीतराग शुद्धोपयोग का। जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन, मैंने सब बाह्य साधन है, अनशन आदि सब बाह्य साधन है, तो जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधनों को अपनाया, और उनके अनुसार वैसा असली जो है वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। फिर एक प्रश्न किया आगे, देखो यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हो? यदि ऐसा है तो अनशन को तप ही क्यों कहा है? जब वो हो असल में निद्रा का कारण ही नहीं है, तो उसको तप कहा ही क्यों? तप का कारण तो शुद्धोपयोग है, तो शुद्धोपयोग को तप कहना चाहिए, और उससे निद्रा कहनी चाहिए,
तुम शुद्ध उपयोग को नहीं कहते, तप के नाम में बताते हो उपवास, अनशन, रस परित्याग। तो नाम जब तप के ये कहोगे तो लोग तो यही समझेंगे ना कि उपवास ही तप है। पूरी तरह सिद्धि ये कर रहे हैं कि शुद्धोपयोग है वो तप है, निर्जरा उससे होती है। और जब तप के भेद के नाम पूछे तो तप के भेदों के नाम बता दिए, अनशन, उनोदर, रस परित्याग, तो आदमी कंफ्यूजन में तो पड़ेगा ना। तो प्रश्न क्या है, यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे कही? समाधान, उन्हें बाह्य तप कहा है, उनको हमने तप कहा ही कहा, हमने उनको कौन सा तप कहा है? बाह्य तप। बाह्य का क्या अर्थ है? सो बाह्य का अर्थ ये कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है, बाहर से दिखता है। बाह्य तपस्वी जो है, बहिरंग तप ऐसे हैं कि उनको करने वाला जीव तपस्वी दिखाई देता है, ये बहिरंग तप की विशेषता। अंतरंग तप करने वाला जीव जो है वो दिखता नहीं है, उसको कोई तप ही नहीं मानने को तैयार। समझ लो कोई 4-6 घंटे स्वाध्याय करता हो तो उसको कोई गिनती क्या है, दिन भर पढ़ते रहते कुछ नहीं। और यदि समझ लो है स्वाध्याय तप है, लेकिन लोग माने तो ना तप ये तो। और यदि हम उपवास करें और उपवास करके हम चाहे जो करें, सब पे गुस्सा करें तो भी सब, अरे इनका उपवास, इनका उपवास, इनका उपवास, मैंने उपवास वाले को तो इतनी वो मिल जाती है सारी छूट, वो चाहे कुछ भी करे, सब 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 गुनाह माफ। और जो ये स्वाध्याय कर रहा है उसको तो एक वो उपवास वाला उसको जाके देख जरा क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, पाँव वाँव दबाओ उसको, तो हमारे को ये छुड़वा दे वाले, ये छुड़वा के उसके पाँव दबा। अब हम पूछे कि वो कर क्या रहा है, वो नहीं उपवास कर, मैंने खाना नहीं खा के वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं बेटा, इतना भी किया उसने तो हो गया हमारे हिसाब से। हम कह रहे हैं ये तो उसने नहीं खाया है, खाना खाना नहीं खाया है ना, तो ये तो उसने जो चीज नहीं की है बताइए, लेकिन की क्या है ये तो बताओ। ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं कर रहे, लेकिन कर क्या रहे बताओ, वो कर क्या रहे, वो तो कोई बात नहीं कर रहे, और ये कर रहा है, ये स्वाध्याय कर रहा है, ये कोई अस्थि से कोई काम कर रहा है, वो दिखता ही नहीं, जबकि वो भी एक तप में है। लेकिन वो क्या है, लोक में भी ये पद्धति है, और इसलिए इनका नाम भी बहिरंग तप है, क्योंकि बाहर से लोगों को दिखता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भाई दुनिया तो ऐसा है, जो बाहर से जिसको देखेगी उसी को तपस्वी मानेगी, वो बाहर से दिखता जो है वो बहिरंग तप ही है, अंतरंग तप दिखाई नहीं देता। इसलिए जगत भी क्या करे, उसका नाम ही बहिरंग तप इसलिए पड़ा है कि वो बाहर से दिखेगा लोग, अनशन करे, वो ऊनोदर करे, एकासन करे, वो ऊनोदर करे कि दूनोदर करे, चाहे वो जो सा भी करे वो ऊनोदर, लेकिन लोग मानते हैं उसको। मैंने एकासन पे यदि आदमी 3 घंटे भी बैठ जाए तो चल सकते, और 20 मिनट सुबह खा ले, 20 मिनट शाम को खा ले, और दिन भर बराबर अध्ययन मनन चिंतन पठन पाठन करे तो काम कर। ऐसे हमारे यहाँ पे है रूढ़िया है सब, जबकि 1.5-2-3 घंटे जो आदमी खाएगा, खा के क्या करेगा, सोएगा, 3 घंटे भी सोने में जाएंगे। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बन चुकी है अपने कुछ की, कोई उसको चेंज भी नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ ये स्वाध्याय जो है, ये स्वाध्याय भी कोई एक तप है ऐसा मान ही नहीं जाता, जबकि इसका नाम है एक्चुअल, लेकिन इसका नाम क्या पीछे पीछे आता है, पीछे पीछे आता है तो वहां तक तो पहुंचे तब ना, मतलब सबसे पहला आ गया अनशन, बात भाई फॉइल क्लोज हो गई है ना, अनशन के बाद फिर उनोदर भी है, रस परित्याग भी है, वृत्ति परिसंख्यान भी है, विवेक संज्ञाशन भी है, काय क्लेश भी है, ये 6 पहले बहिरंग है, पीछे अंतरंग है, प्रायश्चित, विनय, वैयावरस, स्वाध्याय, उत्सर्ग, सबसे बड़ा ध्यान, क्योंकि उनमें मन का दमन है, बहिरंग तप में इंद्रियों का दमन है, और अभ्यंतर तप में मन का दमन, और इंद्रियों के दमन से मन का दमन ज्यादा बड़ा है। एक घंटे यहाँ जो पढ़ते हैं ना अपन, ये कोई सांप, ये कोई तप से कोई कम नहीं है, क्योंकि आदमी का दिमाग इतना इधर उधर दौड़ता रहता है
यहाँ एक घंटे बैठे बैठे तो सब जगह घूम जाता है, तो एक घंटे लोग बैठे रह जाते हैं, चुपचाप सुन लेते हैं, सांस पढ़ लेते हैं, एक पन्ना भी आराम से, इस पंचम काल का चमत्कार है। सचमुच मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी इसमें उपयोग नहीं, ये बहुत कठिन है। आप धर्म के नाम पे और सब चीज़ें कह दो किसी को भी, कोई भी क्रिया बता दो उसको, ये कर ले ये कर ले, सब कर लेगा, लेकिन उससे कहो कि तू यहाँ एक घंटे बैठ के पढ़, नहीं। हम तो खुद ही हमारी मम्मी को जाते थे छोड़ने, स्वाध्याय करते, तो हम बाहर जाते थे, मतलब कुछ छोड़ते थे, बाहर खड़े होकर हम गप्पे लगा देते आधा घंटे पौन घंटे, वो कितनी बार की अंदर आओ नहीं, और कुछ हो तो काम वाम हो, मंदिर का कुछ काम हो तो करवा जाते, कोई चीज़ खरीद के लानी हो, किसी को बुलाना हो, कुछ भी काम एक्टिविटी को ऐसी दे दो, एक्टिविटी से कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम कहो कि यहाँ आके बैठो आधे घंटे, ना है वहाँ करंट दौड़ते हैं उनको कैसे दौड़ते हैं क्या, वो तो वो खुद से रुचि नहीं हो तो बहुत मुश्किल है, परिवार वाले कितने के बल्कि जितना बोले हम तो उतने उतने नहीं। एक तो क्या इसके अंदर भी एक वो तो है ही आपकी बात कि ज्ञानावरण कर्म का उदय है, वो दूसरी बात क्या है कि कुछ रुचि नहीं रहती कुछ की, कुछ हम समझे वस्तु स्वरूप, हाँ मिथ्या कहीं कहती उदय है कि इस लोक के सारे कार्यों में तो रुचि लगती है, सारे कुछ भी काम धंधा दो, जैसे मंदिर का भी कुछ काम दे दो आप, या लिपाई पुताई करानी हो, सफाई करानी हो, सजावट करनी हो, कोई भी एक्टिविटी, पर बस एक ही एक्टिविटी नहीं बनती वो पढ़ने। ज्ञानावरण मोनी सभी कर्म के उदय तो अपनी जगह कारण है ही, दूसरी एक चीज़ और है कि जैसे जिनकी लौकिक में पढ़ने की आदत नहीं होती है तो वो यहाँ भी पढ़ने की आदत बहुत मुश्किल से बनती है, थोड़ा सा एक वो भी एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, क्या क्योंकि वो एक पढ़ने की जिसकी हैबिट ही नहीं है ना, वो बहुत मुश्किल है उसको कि इसमें भी पढ़ने में उसका चित्त लगाना, क्योंकि शुरू शुरू में तो सब्जेक्ट ड्राई लगता है एकदम, और ड्राई सब्जेक्ट लगता है तो आदमी का मन नहीं लगता है क्या, इसलिए मतलब वैसे जिनवाणी ने बहुत कोशिश करी है उसको रोचक बनाने की, अपन पूरी कोशिश करते हैं उसको रोचक बनाने की, फिर भी आदमी एकदम मतलब उसको थोड़ा सूखा सूखा लगता है। मूल तो जो है रुचि की कमी, मतलब मिथ्यात् का उदय है, ज्ञानावरण का उदय तो इसलिए अपन नहीं कह सकते क्योंकि उतना तो ज्ञान नहीं हो जाए तो उसको पुण्य का उदय माना क्या, अपन ने सब पढ़ा होता मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, सब पढ़ चुके अपन, देखो अब आगे चलते हैं अपन। तो भाई तब ये कहा बाहर से औरों को दिखाई देती है तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्यों क्या कहा आप फल किसका पाएगा, भले दुनिया में लोग तेरे को तपस्वी कहेंगे लेकिन आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसे ही पाएगा, क्यों, क्योंकि परिणाम शून्य क्रिया, परिणाम शून्य शरीर की क्रिया, फलदाता सिद्धांत दिया जहां परिणाम नहीं है, परिणाम से शून्य है और शरीर की क्रिया मात्र है तो फलदाता नहीं, क्योंकि फल किसको मिलेगा, जीव को, तो जीव को जीव के परिणामों से फल मिलेगा कि शरीर की क्रिया से जीव को फल मिलेगा, शरीर जीव है कि जीव से भिन्न है, तो क्रिया करे शरीर और फल मिले जीव, तो जीव को फल क्यों मिले, जीव तो जो परिणाम करेगा उसको फल उसको मिले, जीव की क्रिया तो जीव के परिणाम है तो जीव की क्रिया जो है उससे जीव को फल मिलेगा, परद्रव्य की क्रिया से मैंने शरीर की क्रिया से जीव को कैसे फल मिलेगा, ये तो अन्याय हुआ ना, करे कोई और भोगे कोई और, मैंने करे तो शरीर क्रिया है, शरीर तो पूरा उसमें लगा हुआ है और उपयोग काय में लगा है, विषय कषाय धंधे पानी में, तो कर्म शरीर की क्रिया देखेगा कि तुम्हारी क्रिया देखेगा, कर्म शरीर को बनते हैं कि आत्मा को, यदि कर्म शरीर को बनते होते हैं तो फिर पुण्य बनता शरीर को, लेकिन कर्म बनते आत्मा को, तो कर्म आत्मा की परिणाम देखता है, इसके परिणाम कैसे हैं, यदि इसके परिणाम धंधे पानी में है तो कोई मतलब नहीं, यदि इसके परिणाम कषाय रूप है, द्वेष रूप है, राग रूप है, तो कोई मतलब नहीं, इसके परिणामों में जैसा होगा
कर्म बंध तो बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। परम इतना ईमानदार है उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, कर्म को नहीं दे सकते। दुनिया को धोखा दे सकते हैं हम नहीं। यदि नहीं नहीं उसका उपयोग तो कहीं उन 24 घंटे में नहीं। वही तो मैंने कहा, कई बार बिना कोई प्रयास के भी, बिना इच्छा के भी देह की क्रिया हो जाती है। जैसे देह समझ लो भोजन मिला ही नहीं उसको, या उसमें उपयोग कहीं रहा, स्वाधीनता से करे ना, तो स्वाधीनता से भी किए तो परिणाम उसके कहाँ गए उतने काल, जितने काल उसने नहीं खाने का किया। तो ये तो एक चीज उसने की कि मैंने मुख से नहीं खाया, लेकिन बाकी समय उसने किया क्या? उसका उपयोग तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। उपयोग तो किसी न किसी काम में लगे बिना नहीं रहेगा। तो उपयोग यदि धर्म कार्य में नहीं लगा और उपयोग में बस यही बसा रहा कि मेरे को खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है, मैंने आज उपवास किया उपवास किया, तो वो है तो शरीर की क्रिया का करता ही तो बना। मैंने उसके उपयोग में यदि विशुद्धि नहीं है, उसके उपयोग में तत्वचिंतन मनन नहीं है, तो उसको निर्जरा नहीं होता। ये तो उसने एक चीज़ नहीं की, नेगेटिव से अपन ने बात की कि ये नहीं किया उसने, लेकिन आप दिन भर किया क्या है? उसके फिलअप कैसे किया उसने? उस गैप जो थी उस 24 घंटे की, उस गैप को उसने कैसे फिलअप किया? यदि उस गैप को उसने प्रॉपर काम से फिलअप नहीं किया है तो वो उससे उसको निर्जरा नहीं होगा। वो काम जो करेगा, जैसे कार्य करेगा, जैसे परिणाम होंगे, उन परिणामों के अनुसार उसको फल मिलेगा। वो उसमें एक वो लाइन पढ़े जैसे अपन पढ़ रहे हैं, नहीं तो वो जिस काल में पढ़ रहा है उस काल में उसके परिणाम बिना वो पढ़ेगा कैसे? अपन अभी पढ़ रहे हैं समझ लो, मैं कह रहा हूँ अन्य काल में जैसे परिणाम हो सो हो, लेकिन जितने काल ये जीव पढ़ रहा है उतने काल बिना उपयोग की निर्मलता हुई नहीं पढ़ सकता। उपयोग नहीं लगेगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा, और यदि पढ़ भी नहीं मुँह से बोल ली उसका नाम पढ़ना नहीं है। वो पढ़ने का मतलब है कि वो क्या कहा जा रहा है उसको समझे, तो समझेगा तो दिमाग लगाएगा तब समझेगा कि बिना दिमाग लगाए समझेगा। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जितने काल उसने स्वाध्याय में उपयोग लगा रखा है उतने काल उसके परिणामों में विशुद्धि आए बिना नहीं रहेगी। बिना परिणामों की विशुद्धि के तत्व का अभ्यास बनेगा नहीं। जैसे मुनिराज है, जो भी है कोई, तो आहार आदि में तो कमी इसलिए करते हैं ताकि ज्ञान ध्यान का काम उत्कृष्ट हो, तो ज्ञान ध्यान में उपयोग लगाने के लिए तो किया ही। तो ज्ञान ध्यान में उपयोग लग गया तो वो हो गई ना उनकी विशुद्धि, हुई कि नहीं हुई? अरे तत्व में उपयोग लगनी अपनी बहुत बड़ी विशुद्धि, और सब कार्यों में उपयोग लगाना सहज है सरल है, लेकिन अपने उपयोग को इसमें लगाया तो वो उपयोग की विशुद्धि तो उसी काल उससे बनी गई। लेकिन उपयोग यदि इसमें तत्व में है तो वो उपयोग निर्मल ही है, और मतलब पढ़ने का ही नाम नहीं है, स्वाध्याय का नाम केवल किताब पढ़ने का ही नाम नहीं, उसका चिंतन मनन करें जो चीज पढ़ी है, क्योंकि ऐसा तो रट ले, रटने का भी नाम नहीं, उसका विचार करे उसको ये क्यों है, ये क्या कही है? चिंतन मनन और निरंतरता ज्ञान में, मतलब चिंतन मनन करना, उसके ज्ञान में वो वस्तु बनी रहेगी। जब तक हमारे ज्ञान में जिनवाणी है, हमारे ज्ञान में तत्व है, हमारा उपयोग निर्मल है, और हमारे ज्ञान में जिनवाणी नहीं है तो हमारा उपयोग निर्मल नहीं है। हमारे ज्ञान में ये चीज बसी हुई है, परिणाम बिगड़े ही कहाँ से? यदि ज्ञान में ये है तो परिणाम में दूसरी चीज नहीं है, निर्मल है, और परिणाम में दूसरी चीज है ये नहीं है तो परिणाम निर्मल कहाँ है? बोलो, पढ़ रहे हैं, ज्ञान आ रहा है, सब कर रहे हैं, क्रिया में अनछने जल का भी त्याग नहीं है। अरे ये पढ़ेगा, ये पढ़ने वाले व्यक्ति के ये अनछने जल का त्याग में तो बहुत छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज है, तो वो ही नहीं कर रहा, तो क्रिया में कहीं भी विशुद्धि नहीं है, मतलब एक तोते की तरह पढ़ रहे हैं। आप इसको बोल रहे निर्जरा का कारण है, ये जिस जितने काल हो, बाकी जिस समय वो अनछने पानी पी रहा है, में तो उसका वो तो है ना कि भाई अपने को विषय के चाहे, और एक जो बोला वो षट आवश्यक वो कर ही नहीं रहा। ये तो वो नहीं कर रहा है, कोई जीव नहीं कर रहा है, उससे अपने क्या मतलब? वो जीव भी जितने समय स्वाध्याय करेगा, तत्व चिंतन करेगा, उतने काल तो उसके परिणामों में विशुद्धि है, बाकी की मैंने थोड़ी गारंटी ले ली 23 घंटे की। मैं तो उतने काल की बात करी अपन ने, वो यदि वही तो अपन कह रहे हैं कि वो उपवास करके भी
और वो ये नहीं करेगा तो बाकी 23 घंटे निद्रा कैसे होगी? यही तो उसी बात की तो सिद्धि आपने की क्या? और दूसरी बात ये है कि देखो, जो अपने आत्मिक से करता है वो बहुधा जीव तो विषय कषाय का त्याग करते ही है। कोई न करे तो उसकी अंग बहुधा, जितने जीव ने अनछने पानी का त्याग किया है, वो पढ़ के सुन के किया कि बिना पढ़े सुने किया है? तो जिनने 90% जिनने पढ़ के किया है उसको तो देखे नहीं, और जो 5% जो नहीं कर रहे उसको देख के हम उसको उदाहरण बनाए, तो वो राजमार्ग नहीं है ना। कोई नहीं करे तो उसकी गलती, आपको समझ में आ रही है तो आप मत करो क्या? कोई धर्म समझ के भी समझ लो पाप करे, अपने अरे साहब देखो ये तो सुनने आते हैं, सुन के भी ये कर रहे हैं, तो भाई वो कर रहा है तो उससे ये धर्म थोड़ी नहीं, उसकी कोई गलती हो गई, वो उस व्यक्ति का अपराध है। बाकी जो 90 नहीं कर रहे हैं उसको देख ले, कोई एक व्यक्ति के दोष से जिनवाणी का दोष थोड़ी नहीं हो जाएगा उससे क्या? वो तो जो बात कह रही वो तो बराबर है ना। भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनने गया, मारीची भी गया, मारीची ने 363 मत चालू कर दी। अरे भगवान की वाणी सुन के क्या होता है? भगवान की वाणी तो मारीची ने भी सुनी थी, लेकिन इतने सारे मत चालू कर दिए, तो वो एक अलग ही था, बाकी दूसरों को इतने सारे हमेशा राजमार्ग देखा जाता है, एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन देखोगे तो आप हर चीजें मिल जाएंगे, इतना सुनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन राजमार्ग देखो, जीवन में जिनके परिवर्तन आया है तो इससे आया है कि कैसे आया? बात देखो, अब फिर एक और प्रश्न पढ़ लें अपन, टाइम हो गया अपने, तो कल करेंगे अपन, कल ही करेंगे, जो बचा है वो कल करेंगे।